हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था अबाउट इन्वेस्टमेंट सोल्ड के बारे में एंड हमने सीखा था अबाउट द फ्रेश इशू का कंसेप्ट के बारे में तो दोनों के दोनों कंसेप्ट हमारे काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो गए थे और आई होप कि आपने वो दोनों के दोनों कंसेप्ट से अपने क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करके देखा होगा और आपको सही तरीके से वो कंसेप्ट क्लियर हुए रहेंगे अगर आपने वो सेशंस अभी तक नहीं देखे तो पिछले तीन सेशन आप ध्यान से देखें बिकॉज हर एक वीडियो पिछले वीडियो से रिलेटेड होता है तो बीच में से अगर कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा आज हम सीखने वाले हैं अबाउट कॉल्स इन एरियर्स के बारे में देखो कॉल्स एरियर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये जो कंसेप्ट है रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंशियस में दिस कंसेप्ट विल क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड एंड यूर क्वेश्चन विल गेट रॉन्ग इफ यू नॉट कॉन्सेट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कन्सेप्ट तो ये कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए ये कन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए तो ये आता कैसे है पेपर में वो देखने का ट्राई करते हैं तो ये आपका बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में नॉर्मली जो पॉइंट होता है से फॉर एग्जाम्पल आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में पॉइंट है नाइन परसेंट प्रेफरेंशियर कैपिटल पॉइंट क्या है नाइन परसेंट प्रेफरेंशियर कैपिटल और अमाउंट दिया है उसका फेस वैल्यू दिया है हंड्रेड रुपीज़ और अमाउंट दे दिया है टू लाख रुपीस ठीक है अमाउंट कितना दिया है टू लाख रुपीस दिया है और इधर ब्रैकेट में बोला है नाइन्टी अप कितना बोला है नाइन्टी पेड अप और यहाँ पे अमाउंट दिया है वन लाख नाइन्टी थाउजेंड ठीक है काफ़ी सिंपल है तो ये फेस वैल्यू एक काम करते हैं डबल अमाउंट से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा हम क्या करते हैं देखो नाइन परसेंट शेयर कैपिटल ऐसा लिखेंगे और ऐसे आपके पास अमाउंट रहेगा फेस वैल्यू हंड्रेड और इधर रहेगा नीचे नाइन्टी पेडअप और समझो अमाउंट आपको यहां पे दिया है नाइन परसेंट प्रेफरेंशियर कैपिटल फेस वैल्यू हंड्रेड टू थाउजेंड शेयर्स है तो टू थाउजेंड इन टू हंड्रेड करेंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए टू लैक्स आना चाहिए ठीक है लेकिन आपको वैल्यू दिया है वन लैक नाइन्टी थाउजेंड ठीक है काफी सिंपल है वन लैक नाइन्टी थाउजेंड आपको वैल्यू दे दिया है तो, तो यहां लेंगे हम 180000 लेंगे ताकि वैल्यू मैच हो पाए ठीक है 180000 दिया है एक एग्जांपल हम ले रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अमाउंट में मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं पेपर में पूरा दिख के आएगा तो अगर यहाँ पे 180000 दिया है और उन्होंने बोला है 90 पेड अप 90 पेड अप तो देखो अभी 2000 into 90 करेंगे तो 180 आता है लेकिन हमको एक रूल याद रखना है कि प्रेफरेंशियर्स जो होते हैं वो फुली पेड अप होने चाहिए जब तक वो फुल्ली अप नहीं होते हैं तब तक हम उसका रिडम्शन नहीं कर सकते तो अभी आपको करना क्या पड़ेगा अभी एक्चुअली देखा जाए तो इन लोगों को हम कॉल करेंगे जैसे आपने कंसेप्ट सुना होगा कॉल सिनेरियर्स एरियर्स तो इनको हम कॉल करेंगे और वो लोग पैसे भर देंगे अगर ये लोग पैसे नहीं भरेंगे तो ही प्रॉब्लम अराइज होता है बट रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस में यूजुअली जो भी कॉल करते हैं वो लोग पैसे भर देते हैं तो एंट्री बहुत ही सिंपल है एक ही एंट्री आपको पास करना है आप दो एंट्री भी कर सकते हैं फाइनल कॉल मनी ड्यू और फाइनल कॉल मनी रिसिव तो या एक एंट्री भी कर सकते हैं पहले मैं आपको एक एंट्री बताता हूँ फिर हम दूसरी एंट्री में सीखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ये आपकी सिंपल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कैसे अमाउंट आएगा बहुत ही सिंपल है टू थाउजेंड शेयर्स थे और नाइन्टी रुपीज पेड अप है फेस वैल्यू हंड्रेड है तो नाइन्टी और हंड्रेड का डिफरेंस हो गया टेन इसका मतलब आपका अमाउंट कितना आएगा डेबिट साइड ट्वेंटी थाउजेंड और क्रेडिट साइड भी ट्वेंटी थाउजेंड यह आपकी सिंगल एंट्री वाला कंसेप्ट है। और जो आपका ड्यू और रिस्यूड वाला कंसेप्ट है उसमें एंट्री क्या आएगा प्रेफरेंसियर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट प्रेफरेंसर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियर कैपिटल अकाउंट ये आपका ड्यू का एंट्री होगा और एक रिसीव का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियर फाइनल कॉल अकाउंट दोनों के दोनों एंट्री में आप अमाउंट कितना लिखने वाले हो ट्वेंटी थाउजेंड ही लिखने वाले हो तो दो एंट्री करो या डायरेक्टली एक एंट्री करो बात वही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर्स किया तो भी चलेगा या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियर फाइनल कॉल अकाउंट किया तो भी चलेगा तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉल सिनेरियर्स इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट बट इफ यू कमिट सिली मिस्टेक्स इन दैट योर होल जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस टॉपिक ऑफ़ रिडम्सन ऑफ प्रेफरेंशियस विल बी रॉन्ग तो वो आपको ध्यान रखना है वाइल सॉल्विंग कॉल एरियस आई होप कि ये कॉल एरियस का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ रहेगा अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले और ऐप डाउनलोड कर ले लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है थैंक यू वेरी मच इसी तरीके के रिविजन वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे ताकि आपके एग्जाम से पहले सारी कंसेप्ट रिवाइज हो पाए थैंक यू बाबाई टेक